देश की सबसे स्वच्छ शहर और माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में दीपोत्सव के बाद अन्नकूट महोत्सव के आयोजन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एरोड्रम क्षेत्र के सोमानी नगर में श्री श्री शिवधाम परिवार और पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री राधे राधे बाबा के सानिध्य में रविवार को शाम को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया, जिसमे सोमानी नगर के आसपास के हजारों रहवासी सहित महापौर पुष्यमित्र भार्गव शामिल हुए, जहाँ उनका श्री श्री शिवधाम परिवार ने अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। श्री शिवधाम परिवार के सदस्य गोवर्धन लाल दग्दी और मुकेश शर्मा ने कहा कि सोमानी नगर में श्री शिवधाम परिवार के द्वारा हनुमान जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम नवमी सहित अन्य त्योहार क्षेत्रवासियों के सहयोग से धूमधाम से मनाए जाते हैं। आठ दस साल से अन्नकूट चल रहा है, शिवधाम परिवार यहाँ सब लोग मिलजुल के अपने आते हैं, वो सब त्यौहार बनते हैं। यहाँ पे हनुमान जयंती का बनता है, जन्माष्टमी बनती है, रामनवमी बनती है और अन्नकूट महोत्सव का प्रसाद होता है सब। ये सब कॉलोनी वालों की इच्छा के जागृत हुई तो यहाँ पे सब भगवान की मूर्तियों की स्थापना हुई, महाराज जी के सानिध्य के अंदर सब लोग काम चल रहे सब। मुकेश शर्मा, सोमाई नगर। प्रतिवर्ष अनुसार हमारे शिवधाम में और भगवान राधा कृष्ण की, हनुमान जी महाराज की इस कृपा से हर वर्ष के भांति अब की बार भी यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। हमारे पूरे शिवधाम के जितने भक्त परिवार है उनके सहयोग से और मेरे सानिध्य में प्रतिवर्ष अनुसार ये कार्यक्रम किया जाता है। ये करीब अभी 7-8 वर्षों से, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। पुराने मंदिर था पहले, उसके बाद में भव्य मंदिर पूरा निर्माण हुआ है, उसके बाद में ही प्रतिवर्ष अनुसार हनुमान जयंती, अन्नकूट महोत्सव, रामनवमी सब कार्यक्रम बनाए जाते हैं। क्या कोई संस्था है या कोई है? नहीं, ये हमारा जो यहाँ पर जो है सभी हमारे परम्परा का मंदिर है और यह राधा कृष्ण का मंदिर है, हमारी सभी भक्तों के भक्त परिवार के सामूहिक से बनाया हुआ। देखिए कार्यक्रम तो ये हमारी वैदिक सनातन परंपरा है। भगवान श्री राम भी जब अयोध्या लौटे थे तो उनको जितने भी पूर्ववासी थे उन्होंने सबने अन्न उनको समर्पित किया था, और कृष्ण काल को देखा जाए तो जब ब्रजवासियों ने इंद्र ने जब प्रकोप किया तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को धारण किया, तो उसी समय सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन नाथ को 56 भोग लगाया गया था, वही परंपरा आज भी चल रही है। महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, संयुक्त राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय संत समिति, महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर श्री शिवधाम, लाल मंदिर बड़ा गणपति और छत्रीबाग श्री हनुमान मंदिर। ये पूरी कॉलोनी और आसपास जितने भक्त लोग हैं सभी के लिए करीब 3000 आदमी का आयोजन हमने व्यवस्था रखी है और आगे हर इच्छा बलवान। रोज सुबह शाम आरती होती है, सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। हमारे राधे राधे बाबा साहब की सानिध्य में ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं और विभिन्न त्योहारों पे समय समय पे प्रोग्राम होते रहते हैं। जो स्वेच्छा से जो देते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं और हाँ, स्वेच्छा से बाकी हमारे राधे राधे बाबा जी सहयोग कर देते हैं, ये इनके आश्रम की तरफ से सहयोग मिल जाता है, इस प्रकार से ये आयोजन होते हैं। परिचय, गोवर्धन लाल दग्दी, सोमानी नगर।